जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जनगण मन को 52 सेकंड के अंदर खत्म करने का क्या राज है? बड़ा ही सिंपल सा राज है, बड़ी ही सीधी और छोटी सी बात है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बहुत जगह देखता हूँ कि बड़ी मुश्किल हो जाती है कि राष्ट्रगान जो हमारा है जन गण मन, इसको 52 सेकंड में लोग ख़त्म नहीं कर पाते हैं, 52 सेकंड के अंदर नहीं आ पाता है। कोई इसे 52 से जल्दी ख़त्म कर देता है, कोई 52 से ज़्यादा चला जाता है और फिर लोगों को बुरा लग जाता है। तो क्या इसका राज है, आज उस पर बात करेंगे। नोटेशन नहीं बताने जा रहा हूँ, पहले ही बता दूँ, है ना, नोटेशन पूरी दुनिया को पता है जनगण मन के, इतने कोई मुश्किल नहीं, बड़े सरल सा इसकी कॉम्पोजिशन है और थोड़ी वेस्टर्नाइज है, इस वजह से भी शायद जल्दी सीख पाते हैं, है ना। तो आइए मैं आज उस पर बात करने जा रहा हूँ जिस पर मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को जानकारी है और बड़ा सिंपल सा लॉजिक है जबकि इसका, आइए जानते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। लय ताल पर हमेशा हमने बात करी है और हमेशा आप लोगों को सलाह दी है कि लय को सीखो, लय को पकड़ो, लय को साधो। लय यानी गति, गति यानी स्पीड, ये इसके कुछ सिनोनिम्स हैं अगर मैं अलग अलग भाषा में बोलूं तो, ठीक है, लय, गति, स्पीड, ठीक है। इनको सीखने के लिए हम हमेशा से आप लोगों को प्रमोट करते आए हैं, आप लोगों को प्रेरित करते आए हैं कि सुर को साधो, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन लय को छोड़ मत दो। लय और ताल ऐसा नहीं है कि बंदिशें गालोगे तो खुद ब खुद आ जाएंगी, अलंकार गालोगे तो खुद ब खुद आ जाएंगी, नहीं, इनको स्पेसिफिकली ध्यान देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। और यही लय आप जब स्टूडियो रिकॉर्डिंग करने जाते हो तब ज़्यादा काम आती है, क्योंकि कान में भैया मेट्रोनोम चलता है, टिक 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 चलता है, वहाँ कोई ताल नहीं चल रही होती है। ताल भी दे देते हैं अगर आप लोगों को ताल नहीं, सिर्फ मेट्रोनोम पे नहीं गाना आ रहा होता है तो कई लोग वहाँ ताल भी दे देते हैं, ट्रैक भी दे देते हैं पूरा, लेकिन वो पूरा का पूरा ट्रैक यानी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स जब अलग अलग टाइम पर बजे हैं, साथ में लाइव रिकॉर्ड नहीं होता है, तबला अलग रिकॉर्ड हुआ, ढोलक अलग रिकॉर्ड हुई, हारमोनियम अलग रिकॉर्ड हुआ, वोकल्स अलग रिकॉर्ड हुए, है ना, इंडिविजुअली, जैसे आज अभी मैं आपके सामने यहाँ पर वोकल अगर कोई गाना गा दूँ, उसके बाद मैं पीछे इसमें तबला लगा दूँ, इसके बाद पीछे हारमोनियम लगा दूँ, पीछे कीबोर्ड लगा दूँ, गिटार लगा दूँ, इस सब के लगाने का एक क्या बोल सकते हैं, वो क्या चीज़ है जो इन सबको साधे रखती है, वो है लय, क्योंकि सबकी एक समान लय होती है। तो लय पर ही मैं चर्चा हमेशा से करता आ रहा हूं और इस वीडियो का भी वो जो राज है वो लय ही है। 52 सेकंड के अंदर अगर आपको राष्ट्रगान हमारा गाना है जनगण मन खत्म करना है तो उसका जो टेम्पो है यानी जो लय है और जो उसका BPM बीट पर मिनट है वो 60 BPM होता है, या तो 60 या फिर आपका 120। अगर आप 120 या 60 BPM की गति में उसे गाते हैं तो वो 52 सेकंड के अंदर आपका ख़त्म हो जाता है। ये सीधा सा सिंपल सा राज है और टेस्ट एंड वेरीफाइड है, करके देख लीजिएगा कि अगर आपको 52 सेकंड के अंदर उसे ख़त्म करना है तो कुछ नहीं करना है, 60 BPM पर आपको उसे गाना शुरू करना है, 60 या 120 एक ही बात है, वो उसका डबल ही बनता है। अब 60 BPM की लय कौन सी होती है? घड़ी की लय, 1 2 3 4 5 6 7 8 घड़ी को देखकर अगर आप इस गति में बोलना शुरू करें और इसी में अगर आप गाते हैं तो आपका जन गण मन 52 सेकंड के अंदर आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, करके देख लीजिएगा। अब क्या होता है, लोग उमूमन जब गाते हैं तो मेट्रोनोम लगाते नहीं है, घड़ी नहीं है, 60 BPM किसको क्या पता है, अपने हिसाब से चलो भैया ये 1 2 3 स्टार्ट, ना 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 ऐसे शुरू कर देते हैं, है ना, इस धुन को गुनगुनाना शुरू कर देते हैं किसी भी पिच से। पिच आप कोई भी रखिए, पिच आपका अपना है, अगर आप अपने पिच से गाते हैं, आप फीमेल हैं, मेल हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, ग्रुप में गा रहे हैं, सोलो गा रहे हैं, कैसे भी गा रहे हैं, पिच कोई सा भी रखिए उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपका अपना होगा, अपनी वॉइस रेंज अकॉर्डिंग होगा, जो कॉम्पोजिशनल रेंज है इसकी उसके ग्राफ के अकॉर्डिंग आप कंपेयर करेंगे कि भैया कॉम्पोजिशन इतनी ऊंची नीची है और ये मेरी रेंज है, मेरी ऊंची नीची रेंज इतनी है, आप वो कंपेयर करके उसे जोड़ देंगे। लेकिन अगर आपको उसको 52 सेकंड के अंदर ख़त्म करना है तो उसका एक ही राज है, वो है 60 BPM, उसकी लय एक जैसी होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि 60 पे शुरू किया, बीच में आगे पीछे हो गए और फिर लास्ट में फिर तेज़ कर दिया और वो जल्दी जल्दी आ जाए, कई लोग ऐसे ही करते हैं, जब वो नहीं होता तो लास्ट में जय हे जय हे जय हे,
जल्दी जल्दी करके जय 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 बोल के उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, मगर ये तरीक़ा नहीं है। एक लय में चलिए, एक जैसा चलिए, तब जाके वो ख़त्म होता है 52 सेकंड में। और हर चीज़ का यही राज है, कोई भी बंदिश गानी है, कोई भी गीत गाना है, अगर रिकॉर्ड करने जाओगे, जैसे जब मैंने बताया था कैरियोके पर कैसे गाना होता है, कराओके के सॉन्ग्स गाने में लोगों को दिक्कत आती है, उसका भी यही राज है। वहाँ पर भी सुर उतना मानी नहीं रखता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुर बिल्कुल ही कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है, पर सुर हर किसी के पल्ले नहीं पड़ता इतनी आसानी से, ना उसको समझ आता है ना वो गा पाता है। हर व्यक्ति सुरीला नहीं होता है, लेकिन हर व्यक्ति लय में हो सकता है, इसकी गुंजाइश है। जो मैंने एक टॉपिक दिया भी था कि अगर आप लय में हैं तो आप गाना गा सकते हैं, भले ही आप बेसुरे हों। अगर बेताले और बेलय में आप नहीं हैं, आप बेलय या बेताले नहीं हैं, तो आप गाना गा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक टिप टिक 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 एक टाइमिंग में चलना चाहिए। कई ऐसे लोग देखे हैं मैंने जो बेसुरा गाते हैं, सुर में नहीं गाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो गाने की लय को समझते हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, डरा डा डरा डरा, ये लय पकड़ लिया आपने, एक जैसा गीत है ना। अब इसमें भले आप मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया इस तरह से गाएंगे, उलझुलूल कोई भी पिच लिया, कोई भी सुर लिया आप लगाते हैं, लेकिन अगर आप एक लय में रहते हैं तो आप एक जैसा गाते हैं और किसी को भी ऐसा खराब नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही लय टूटती है, सामने वाले को मालूम चलता है, अरे कुछ गड़बड़ हुई। किसी भी ले मैन को, इवन किसी नॉन म्यूजिशियन को भी मालूम चल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लय एक फ्लो बनाती है, एक ग्रूव, एक चाल बनाती है। दिन तचि तक छिक दिन 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 तचि, ये आपके दिमाग में चलता है ना। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे, ये मैं इन गानों का एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये गाने बड़े प्रसिद्ध हैं और हर कोई इनको गाता है ना। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, मतलब इसकी टाइमिंग हम सबको याद है कि ये डिग 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 डिंग ता, जिग 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 डिंग ता। ये जनगण मन की भी हमको याद है कि जाना ना 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 डाना डा 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 डा, है ना। मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर डाना ना ना करके गा रहा हूँ, मैं बस ऐसी फ्लो में आपको उस चीज़ को बता रहा हूँ, है ना, कि इस तरह से वो ढक ढक, उसकी हमें टाइमिंग याद होती है। आप कहीं कहीं तो ये भी सुनेंगे, कई लोग तो सुर को लय ही समझते हैं, है ना। कई लोग बोलते हैं अरे यार इस गाने की लय मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन वो लय का मतलब स्पीड नहीं, वो ये समझते हैं इसकी धुन जो है, है ना, कि यार इस गाने की लय अलग ही है, है ना। उनको पता ही नहीं है कि लय मतलब स्पीड होता है और सुर मतलब पिच होता है, वो अलग अलग दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, वो सुर को ही लय बोलते हैं। तो ये वाली बात है कि लय हर कोई समझता है, बस उसको पता नहीं है लय क्या होती है, लेकिन सुर हर कोई समझता नहीं है। सुर की पिच मैचिंग हर कोई कर नहीं सकता, लेकिन लय की थोड़ी बहुत फिर भी कर सकता है ग्रूव में। अगर आप ये चीज़ देखिएगा, कॉन्सर्ट्स में देखिएगा, जगजीत साहब के कॉन्सर्ट्स देखिए या किसी भी बड़े कलाकार का कॉन्सर्ट देखिए जिसमें भीड़ पूरा हुजूम बैठा हुआ है, वो जो धुन गा रहे हैं उस धुन को वो गवाते हैं सामने वाले को। इवन आप कॉन्सर्ट्स में भी देखते हैं ना, गा के माइक क्यों कर देते हैं, अब आप गाइए, तो कौन सा वो सारे के सारे वहां सामने अरिजीत सिंह बैठे हुए हैं कि वो सारे सुरीले होंगे, ऐसा नहीं होता है, पर वो सारे एक लय में गाते हैं, क्योंकि एक एक व्यक्ति ने जो गाने की लय शुरू करी, उसके साथ जो साजिंदे बैठे उन्होंने एक लय में जो बजाना शुरू किया, उस लय को वो व्यक्ति जो ऑडियंस में बैठा है वो फॉलो कर लेता है कि हाँ डिंग 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 इसको पकड़ना है, ठीक है। तो लय इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लय हमारे बसी हुई है, क्योंकि अंदर दिल की धड़कन में, सांसों में लय है, आपके हर चीज़ में लय है, सूरज के उगने से डूबने तक में लय है। तो लय को फोकस करें, लय को साधें, 52 सेकंड में अगर गाना है तो 60 BPM पे गाना शुरू करें, 120 में गाना शुरू करें, मतलब उस गीत को, ना ऐसा नहीं कि हर चीज़ को, उस गीत को, उस गान को, राष्ट्रगान को हमारे, अगर आप गाना शुरू करेंगे आराम से हो जाएगा आपका 52 सेकंड में ख़त्म, ठीक है। तो मेरे ख्याल से छोटा सा टॉपिक था, इतना तो कोई बड़ा भी नहीं था, इतनी तो कोई खास बात मैंने बताई भी नहीं इसमें, लेकिन हाँ ये ज़रूरी है कि आप लय को सीखें, ये ज़रूर मैंने इसमें समझाया है, ठीक है। तो शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही हमारे और भी वीडियोज़ हैं, उनको भी प्रमोट करें, उन्हें भी देखें, हम गीत गज़ल भजन भी डालते हैं, आप उनको भी ज़रा देखिए, है ना, आप लोग देखेंगे तो हमें प्रेरणा मिलेगी कि आगे और काम करना है, ठीक है। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें।